हाय इंजीनियर्स, आज सुबह सुबह आपके पास लेके आ गया हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, पीएससी कैडर का स्ट्रेसिंग कैसे करें। ये देखिए, सारे इंजीनियर्स का एक ही सपना रहता है कि इतना लंबा लंबा कैडर कैसे खड़ा रहता है, कितना लोड ले लेता है, होता है कैसे, इसका स्ट्रेसिंग कैसे करें, ठीक है, इसका अंदर में जो LRPC स्टैंड है उसको खींचे कैसे, खींच के स्ट्रेसिंग कैसे करें, उसका अंदर ग्राउटिंग कैसे करें, बहुत सारे सवाल होता है इंजीनियर्स का। ठीक है, वही टॉपिक लेके मैंने आज आ गया हूँ आप लोगों के पास, मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। उसके पहले दोस्तों, कोई मेरा चैनल में नया हो तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे टाइप का सारे प्रैक्टिकली वीडियो आपको पास पाने के लिए। ठीक है, अभी आके सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकन ऑन भी कर लीजिए, जैसे मैं ऐसे कुछ वीडियो डालूँ तो आपके पास तुरंत आने के लिए एंड तुरंत नॉलेज गेन करने के लिए। ठीक है, ये देखिए, ये वीडियो मैंने दो पार्ट में देने वाला है आप लोगों को। दो पार्ट में इसलिए देंगे क्योंकि ये स्ट्रेसिंग के लिए बहुत कुछ सामान जरूरत पड़ता है हम लोगों को। ठीक है, क्या ये कौन सा क्या नाम है वो बहुत सारे को याद भी नहीं रहता है और पता भी नहीं रहता है, इसीलिए मैं एक पार्ट में क्या क्या सामान लगता है, उसका नेम क्या होता है थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली भी उसका कौन सा काम पे यूज होता है, सारे आप लोगों को बताने वाले हैं। उसका पहले प्लीज़ चलते हैं, मेरा वीडियो में आप एक्टिव रहिए और आगे नॉलेज गेन करते रहिए। ठीक है, देख लीजिए, आपके पास आया है ये, इसको बोला है, बोलता है स्टैंड्स, LRPC स्टैंड्स। ये है हमारा 12.7 mm का LRPC स्टैंड। ये जो देख रहे हैं ना, ये जो गोला टाइप का, ये होता है एंकर कोन। ठीक है, ये जब कंक्रीट होता है हमारा, उस टाइम पे कंक्रीट का टाइम सीधिंग पाइप के साथ जोड़ के कंक्रीट के टाइम फिक्सिंग करा जाता है, उसके बाद इसके अंदर में LRPC स्टैंड इंस्टॉलेशन काम होता है, पहले काट लेता है, वो कैसे काटता है वो भी मैं आगे दिखाऊंगा अभी। ठीक है, अभी जो हाथ के पास में है वो देख लीजिए, ये है एंकर हेड, इसको बहुत सारे बियरिंग, लोकल भाषा में बियरिंग भी बोलता है। ये है हमारा 19K13 नेम पे, नेम का ये है बियरिंग है। देखिए, 19 का मतलब 19 होल्स रहेगा। ठीक है, 19 इसमें होल्स रहेगा। हमारा ये जो इंस्टॉलेशन हुआ है पाइप, ये है 18P नंबर ऑफ, देखिए 18 है, ये जो होल है बढ़ गया है, ये देखिए ये अभी खाली है। ठीक है, फ्यूचर के लिए इसमें यूज कर सकते हैं हम लोग। ये है एंकर हेड। ठीक है, और इसके बाद में क्या लगता है वो भी आपको दिखा रहा हूँ, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, ये लाइव फेजेस है ना, ये लाइव फेजेस है, देखो इसको कैसे ठोकाई दे रहा है। ऐसे टाइप का है, अंदर में ग्रिप सिस्टम लगा रखा है, इसको लाइव वेजेस बोलता है। ऐसे करके फिक्स करके देखिए कैसे फिक्स हो रहा है। देखिए इसमें फिक्सिंग हो गया है, इसको बोलता है लाइव पेजेस। ये जो हमारा गर्डर का लेंथ है 34.350 मीटर। ठीक है, ये दोनों जो स्टील निकल के रहा है तीनों, ये है इंटरमीडिएट क्रॉस गर्डर है। ये जब सातों गर्डर हमारा लॉन्चिंग हो जाएगा, उसके बाद इसी में एक बीम टाइप का आएगा, लॉन्चिंग के बाद ही आएगा। देखिए, हम आपको दिखाते हैं कैसे रोल काट के, LRPC स्टैंड का रोल काटिंग करके उसके अंदर इंस्टॉलेशन कर रहा है। देखा, ऐसा करके पीछे ले जा रहा है लेंथ के हिसाब से, ऐसे करके कटिंग कर रहा है। ठीक है, आपको अभी पहले ही दिखा दिया था लाइव वेजेस कैसे इंसर्ट कर रहा है। ठीक है, ये अभी इंसर्ट बाकी है,
हमारा बियरिंग हेड सॉरी एंकर हेड इंस्टॉलेशन हो गया। अभी ये है देखिए जैक है, इसी का हेल्प में हम लोग इसको स्ट्रेसिंग करेंगे, ठीक है, टाइट करेंगे दोनों साइड से साइमल्टेनियसली, ठीक है। ऐसे दो जैक लगता है, देखिए तो हाइड्रोलिंग सिस्टम है, एक वहाँ दो दोनों एंड साइड पे दोनों ही रहेगा, एक एक साइड में और दूसरा साइड में हाइड्रोलिक जैक हो गया। ये देखिए ये है, वो जस्ट एक ही टाइप का है लाइव वेजेस, और ये है मास्टर वेजेस, ठीक है, थोड़ा बड़ा टाइप का होता है, इसमें रबर लगता है। भाई लॉकिंग प्लेट भी लगेगा, ठीक है। आप लोग जो देखा यार, थ्रेडिंग पाइप दिखा दिया, मास्टर वेजेस दिखा दिया, लाइव वेजेस देखिए, हम लोग पाइप से ठोक के इसको इंसर्टेड कर दिया, फिक्स कर दिया है, ठीक है। पूरा लेंथ है 34.350। ठीक है, दो कॉपी चेन कॉपी भी लेके आ गया हूँ उसको, दोनों जैक को उठाने के लिए, ठीक है। देखिए इसका प्रैक्टिकली ग्राउटिंग और स्ट्रेसिंग पार्ट टू वीडियो में लेके आ रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ लाइव रहिए इसमें, ठीक है, एक्टिव भी रहिए, जब होगा तुरंत जब डालेंगे तुरंत आपके पास वीडियो आ जाएगा। इसमें आप लोग तो काफ़ी सारा नॉलेज गेन कर लिया होगा, इसमें क्या क्या चीज़ लगता है कि इसका नाम पे बुलाता जाता है। देखिए उसके पहले जो एंकर कौन लगता है वो तो कंक्रीट का टाइम फिक्स कर दिया जाता है, उसके बाद एंकर हेड, लाइव वेजेस, उसके मास्टर वेज हो गया, थ्रेडिंग पाइप हो गया, और दो हाइड्रोलिक जैक और हाइड्रोलिक सिस्टम, ठीक है। चलिए एक्टिव रहिए अगला पार्ट टू वीडियो आने के लिए, ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।